और यहाँ पे फिर ये खत्म जो ऑन करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर लाइव। गिव मी द मास्क। यस वी आर लाइव नाउ। आवाज चेक करना, ये ऑन करना सर। ओके एक बार जो जो देख रहे हैं भाई, जो जो लाइव हैं, एक बार जो जो लाइव हैं, एक बार सारे के सारे प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आज की सभा को शुरू कर सकें, है ना भाई। जो जो आ गए हैं एक बार सारे के सारे प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और तब तक हम बाकी लोगों से अपनी बातचीत करें। अब ये ठीक है, सही दिखाई दे रहा है? चलो सही दिखाई दे रहा है। अरे घूम कैसे रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चले करें शुरू भाई, करें शुरू। नाम क्या है बेटा? रुचि। आपका? ज्योति। मंजू। अंकित। करण। अमानुल्ला। प्रदीप, मेरा नाम भी प्रदीप। नितिन बांद्री। फिर अकड़ के क्यों बोल रहा है? पंकज। कविता। योगिता। और आप हैं प्रिया। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम सभी को पता है हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम है प्रदीप मलिक। अब बातचीत बंद भाई, अब बातचीत बंद। बातचीत बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसे बिल्कुल बंद कर ले, जेब में डाले भाई से, इसे अंदर डाल ले, इसे बंद कर ले, इसे अंदर डाल ले, बातचीत बिल्कुल ही बंद कर लो। अभी हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज हमारा सभी का आने का मेन मकसद क्या है? देखो, वी ऑल वांट द गवर्नमेंट जॉब। हम सभी को सरकारी नौकरी चाहिए या किसी को और चाहिए भाई? कुछ और बोलो। मैं जिंदा लोगों की क्लास में हूं या कहीं मरे हुए? कोरोना से चले तो नहीं गए? कहीं शरीर शरीर रह गया और आपकी आत्मा चली गई हो, है ना भाई? भाई पता तो हो, कहीं ऐसा ना जाऊं। ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा जिंदा लोगों की तरह। किस लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखो, गवर्नमेंट जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म आते रहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, अलग अलग बोर्ड उनके एग्जाम लेते हैं, जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया, अपना बैंकिंग हो गया, पुलिस के बहुत सारे एग्जाम SSC के माध्यम से होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोकल बॉडी के एग्जाम होते हैं। सरकारी नौकरी मेरी दो प्रकार से लगती है, एक होती मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, एक होती स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। सरकारी नौकरी होनी चाहिए जी, कोई भी हो, हमें एक टारगेट बनाना, हमने कोई एक फिक्स टारगेट ये नहीं बनाना कि भाई मुझे पुलिस में ही जाना है, मुझे दिल्ली पुलिस की ही नौकरी चाहिए। नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस की नौकरी नहीं चाहिए सर, मुझे नौकरी चाहिए सरकारी। मान लो दिल्ली पुलिस में लगी नहीं और कोई लूंगा नहीं तो क्या मिलेगी फिर? बेरोजगारी मिलेगी। बेरोजगारी नहीं चाहिए सर, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। यस और नो? और किसी भी सरकारी नौकरी का एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एक मेरा बच्चा कह रहा था कि सर, आप ही पूछ रहे थे कि सर हमारी सबकी कैसे एक ही तैयारी में हमारी सारे के सारे एग्जाम कैसे इसमें क्लियर होंगे। देखो, अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, इट में बी एनी एग्जाम, इट में बी एनी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ताकत होती है, वो मैथ्स में ताकत होती है। जिसको मैथ्स आ गया उसकी नौकरी लगभग पक्की हो जाती है, जिसको मैथ्स आ गया उसकी लगभग नौकरी पक्की हो जाती है। सबसे पहले होती है इसमें मैथ्स। मैथ्स के बाद में आती है आपकी इंग्लिश। मैथ्स के बाद में क्या आती है? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में आती है जीके। जीके भी मेरी दो प्रकार की होती है, एक होती है मेरी स्टैटिक जीके, जिसको फिक्स बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। एक होती है जिसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसको हम GS भी बोल सकते हैं, जनरल स्टडी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आती है रीजनिंग। उसके बाद में क्या आती है? रीजनिंग। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का जो 90% हिस्सा होता है वो यही होता है। जिसको ये चीज आ गई, ये समझो उसकी नौकरी लगभग पक्की हो गई।
लगभग पक्की हो गई। इसके अलावा कुछ अदर एक चीज और भी होती है जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं, ये हर एग्जाम में आता है, ये इसी का एक जीके का एक प्रकार से पार्ट होता है कि आजकल सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्या उसमें बदलाव हुआ है, पहले जो जीके पढ़ी थी, पहले जो हमने जीएस पढ़ी उसमें किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट, जैसे भी फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, ये भी एक प्रकार से हमारा जीके का जीएस का पार्ट है, साथ साथ में करंट अफेयर का भी पार्ट है, कब हुआ, किस प्रकार से क्या क्या इसमें बदलाव हुआ, आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ अगर मेरे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, पुलिस वुलिस के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में कुछ एक चीज, कुछ बेसिक नॉलेज मांग ली जाती है कंप्यूटर की, कुछ एक बेसिक नॉलेज मुझे कंप्यूटर की पूछ ली जाती है थ्योरी से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम भी होते हैं जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, आई बात समझ में। कुछ ऐसे एग्जाम जो केवल टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं उसमें सीडी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, हर चीज की आपको यहाँ पे क्लास लगेगी। और जब ये सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचेगा जो एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए मैं जाऊंगा और वो एग्जाम में ये सिलेबस ना मिले। आपको करवाया जाएगा ज्यादा और एग्जाम में मिलेगा कम, जब मैं कर लूं ज्यादा और एग्जाम में आए कम, मेरा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दिक्कत कब आती है, मैं पढ़ूं इतना और एग्जाम में आ जाए इतना, यानी कि आपका एग्जाम में आएगा इतना, रहो आपको पढ़ाएंगे इतना, यानी कि वो एग्जाम जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब लगती है तो 10th बेस पे लगती है, 12th बेस पे लगती है और मेरे ग्रेजुएशन बेस पे लगती है। आई बात समझ में, 10th बेस पे लगती है, 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे, तीन बेस पे मेरी सरकारी नौकरी लगती है। हम आपकी शुरुआत यहां से करेंगे, यहां का मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से, और यहां पे आपको यहां पे लेके जाएंगे इस पे ग्रेजुएशन लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल, सुना आपने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक की मैथ्स और इंग्लिश और जीके और आपकी रीजनिंग उसी प्रकार से यहां पे तैयारी आपकी करवाई जाएगी, या सीपीओ होता है वो भी आपके ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, आई बात समझ में। तो ये तीनों के तीनों यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी तैयारी इसमें करवाई जाएगी, आपको अदर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं भाई, जैसे कि रेलवे का फॉर्म निकल गया तो भाई रेलवे का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे का बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म निकल गए जो 12th बेस पे निकलते हैं, एसएससी सीएचएसएल के नाम से एक बोर्ड लगा दिया और बैच स्टार्ट कर दिया भाई। एसएससी एमटीएस के फॉर्म निकल गए भाई जो 10th बेस में निकलते हैं, उसके नाम पे बोर्ड लगा दिए, बाहर पर्चे वर्चे छपवा दिए और लगा दिया। एसएससी ग्रेजुएट यानी कि सीजीएल के फॉर्म निकल गए, उसके पर्चे वर्चे छपवा दिए और काम आपका स्टार्ट हो जाता है, आई बात समझ में। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या एग्जाम का नाम बदलने से, एग्जाम का नाम बदलने से सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा? मैथ्स में जो मुझे पढ़ना है, मैथ्स में जो मुझे पढ़ना है, परसेंटेज परसेंटेज होता भाई, परसेंटेज परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, उसका लेवल अलग अलग होता है। और जब हमने बता दिया हम यहां से शुरू करके और यहां तक लेके जाएंगे तो इस बीच में जो भी चीज होगी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो अलग अलग नाम लेकर के आपसे अलग अलग ठगाई नहीं करनी चाहिए। और मैक्सिमम कोचिंग सेंटर यहाँ पे आज तक यही करते हैं, इसलिए बीएस कोचिंग सेंटर ने यहाँ पे आकर के इन सब की जो चीज इन्होंने मोनोपोली लगा रखी थी, जिस चीज की इतनी जबरदस्त तरीके से देवर चार्जिंग एक एक लगभग, वो क्या करते हैं आपके मैक्सिमम 3 से 4 महीने की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 3 से 4 महीने की कोचिंग होती है और 3 घंटे की क्लास होती है, ऐसा ही होता है ना। और हमारे यहाँ पे पूरे के पूरा आपका 1 ईयर का ये प्रोग्राम होगा, 1 ईयर का, और कम से कम आपके 4 से 5 घंटे की क्लास अब हमने कर दी इसको, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे मिनिमम रहेगा आपकी क्लासेस का। सर 4 घंटे की कैसे क्लासेस होगी? देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें 3 घंटे की जो क्लास होगी वो आपकी क्लासरूम में क्लास होगी, जिसकी टाइमिंग रहेगी 11 से 2 की, 11 to 2 जो आपको बताया भी गया, यही बताया गया होगा। और एक शाम को एक बैच चलेगा, एक शाम को और एक हम इसमें करेंगे जो आपका इवनिंग में बैच होगा, शाम को आपका एक इवनिंग में भी क्लास होगी, वो इवनिंग क्लास आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, जैसे भी चल रही है ये क्लास, आपको पता ऑनलाइन भी चल रही है। ये इवनिंग की क्लास में आपको 1 से 1.5 घंटा आपकी इवनिंग की क्लास रहेगी, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि लगातार आपकी यहां पे लगभग 4 से 5 घंटे लगातार यहां पे क्लास आप नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? लगातार 4-5 घंटे बैठने से और लगातार 4-5 घंटे करने से क्या होता है, दिमाग थक जाता है, एग्जॉस्ट होने लगता है, तो रिजल्ट नहीं आता।
इसलिए 3 घंटे मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद में अपने घर पे जाकर के खाना पीना खाया, और जो मैंने 3 घंटे पढ़ाई की उसके बाद फिर उसको मैंने रिविजन किया, रिवाइज किया, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर आपकी दूसरी इवनिंग की क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर वो क्लास ली, उसके बाद उस क्लास को भी रिवाइज करके फिर अपना सोना, फिर अगले क्लास के लिए तैयार होना। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपके यानी कि लगभग 4 घंटे के, अगर मैं मिनिमम 4 घंटे भी आपके मान के चलूं क्लास का, जो होगा ही होगा, मिनिमम 4 घंटे मान के चलूं, तो 4 घंटे ही बेटा आपको, 4 घंटे ही आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिएंगे, सेल्फ स्टडी के लिए चाहिएंगे 4 घंटे सेल्फ, क्योंकि जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं कि केवल पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद में रिजल्ट भी तो लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए मेरी बात? और ये कब तक करना है? ये पूरे, ये जब तक करना है जब तक मेरी नौकरी ना लग जाए, ये जब तक करना जब तक मेरी नौकरी ना लग जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है किस चीज का? गवर्नमेंट जॉब का, है ना? इसीलिए हमने यहाँ पे आपको 100% एक गारंटी दे रहे हैं, कसौटी दे रहे हैं। 100% गारंटी मतलब यही दे रहे हैं कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल डेफिनेटली समझ आएगा, और जो पढ़ाया जाएगा एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाया जाए मुझे समझ आ जाए, जो पढ़ाया जाए पेपर में आ जाए, काम मेरा हो जाता है। यस और नो? यस और नो? उसी प्रकार से मैंने बताया वहां पे क्या करते हैं, केवल 3 घंटे की क्लास देते हैं, केवल 3 घंटे की उनकी क्लास होती है, और हमारी क्लास कितनी होगी? 4 घंटे मिनिमम, वो एक्सटेंड भी हो सकती है। दूसरा, कितनी दिन की क्लास होती है उनकी? 3 से 4 महीने की, और हमारी कितनी होगी? पूरा 1 ईयर की। अब मुझे बताओ, जो 1 साल लगातार इतनी देर पढ़ाएगा और जो केवल इतनी देर इतने महीने पढ़ाएगा, किसका सिलेबस ज्यादा होगा, किसके कंटेंट ज्यादा होंगे? भाई भाई, हेलो, बाहर बैठ जाओ आप, बाहर जाओ आप, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, आप यहां बैठ जा, हेलो तू यहां बैठ। किसके कंटेंट ज्यादा होंगे, किसका कोर्स ज्यादा होगा 1 ईयर के? क्यों? क्लास की ड्यूरेशन भी डेली की ज्यादा और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा, हाँ है ना? इसीलिए गारंटी होती है। और यहां वो क्या करते हैं, वो तो हर 3rd महीने में नए बच्चे आते हैं, नए ज्यादा बच्चे नहीं करने, हमने बच्चे क्वालिटी के साथ क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें जब मेरी होंगी तो दुनिया की कौन ताकत है जो मुझे सरकारी नौकरी लेने से रोक सकती है? केवल और केवल एक इंसान है जो, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उसका केवल और केवल एक ही आदमी जिम्मेदार होगा, वो आप खुद, वो आप खुद। क्यों? एडमिशन ले ले, क्लास नहीं लोगे, क्लास ले रहे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे लगेगी? क्योंकि दोनों काम करोगे, कम से कम 8 घंटे मिनिमम दोगे, दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो आपको नौकरी लगने से रोक सके, है ना? पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल? पॉसिबल है। अब सबसे पहले अभी मैंने फिर आपको एक चीज बताई कि नौकरी लगने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना पड़ता है वो किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है? मैथ्स। क्योंकि मैथ्स, अगर किसी का मैथ्स स्कूलिंग लेवल पे मजबूत है, उसको थोड़ा सा कम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी इजीली वो कंसेप्ट को पकड़ लेता है, क्योंकि उसने स्कूलिंग लेवल में मेहनत की होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिनका स्कूलिंग लेवल पे मैथ्स होता है कमजोर, जिनका स्कूलिंग लेवल पे मैथ्स कमजोर होता है, तो जाहिर सी बात उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे आने के लिए, हाँ है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं, अगर मेरा कोई चीज पहले कमजोर रह गई हो तो आज उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा तो हो सकता है ना? अगर कोई चीज मेरी पहले कमजोर होगी तो आज मैं उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं ठीक करना चाहूंगा तभी तो मेरी ठीक होगी। तो इसको आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको मैथ्स को स्ट्रोंग करना पड़ेगा, हाँ है ना? क्योंकि अगर आपका मैथ्स आ गया, जिसको मैथ्स आ गया, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम जिसमें मैथ्स नहीं आता, बहुत सारे ऐसे एग्जाम तो जिसमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मैथ्स नहीं आता। जिसको मैथ्स आ गया उसकी ये लगा लो लगभग नौकरी पक्की हो जाती है। आई बात समझ में? यानी कि मैथ्स आया तो नौकरी आई। तो क्या आप मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप, अच्छे बताओ, स्कूलिंग लेवल पे मैथ्स किस किस का कमजोर था? स्कूलिंग लेवल पे मैथ्स कमजोर था, बादाम वदाम नहीं खिलाए, तुम्हारा मजबूत था, कुश्ती करने जाता था तुम्हारा मैथ, है ना भाई? तो जिनका कमजोर था भी या नहीं भी था, तो हमने, और जिनका मजबूत था
तो भी उनको भी, क्योंकि जो हमने स्कूलिंग में मैथ्स पढ़ा और जो यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे वो बिल्कुल पढ़ने का तरीका भी एंटायरली डिफरेंट होगा। स्कूलिंग में तो हमने क्या पढ़ा, हमारे नंबर कब आते थे, जब मैं बहुत ज्यादा पेज भरता था, एक ब्लान नपती थी उसी प्रकार से नंबर दिए जाते थे, जितने पेज भरे जाते थे उतने नंबर आते थे। और यहां पे इसका जस्ट उल्टा है, जितना कम लिखोगे, जितना कम लिखोगे उतनी ही जल्दी नौकरी लगेगी। उसमें क्या था, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, यहां पे इसका जस्ट उल्टा होगा, जितना कम लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। समझ में आई या कंफ्यूज है, क्या इसका क्या मतलब है मेरा, ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या है मैडम, जो मैंने बोला नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोल दिया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। यहाँ पे हमने कोशिश करनी है, हाँ, नोटबुक और पेन का यूज कम से कम किया जाए, नोटबुक और पेन का यूज कम से कम किया जाए, क्योंकि जितना हम नोटबुक और पेन का यूज करेंगे उतनी ही अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश, आप समझ गए, आई बात समझ में। तो मैथ्स में अगर आपको अपना पेन नहीं उठाना है तो आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अगर मेरी कैलकुलेशन स्ट्रोंग होगी तभी जाकर के नोटबुक और पेन मैं कम यूज करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन अगर माइंड में कर दी उतना ही समय आपका बच गया। अगर मैंने किया 48 × 48 और इसको मैं करने लग गया, इट विल टेक टाइम, लेकिन मुझे 48 × 48 यानी कि 48 का स्क्वायर मुझे आता था, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगी, हाँ है ना। तो मुझे सबसे पहले अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल, मैं कहा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको पहाड़े आते, पहाड़े पहाड़े आते हैं आपको, कितने तक के पहाड़े आते हैं मैडम, पहाड़े कितने, हंसो मत, बिल्कुल मजे 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 में लेना है, टेंशन नहीं लेनी बल्कि मौज लेनी है। टेंशन लोगे, देखो जिंदगी में दो चीज होती लेने के लिए, या तो मजे ले लो या टेंशन ले लो। टेंशन लेने वाला इंसान हमेशा परेशान रहेगा, मजे लेने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमेशा खुश मिजाज इंसान तरक्की करता है, दुखी आत्मा कभी तरक्की नहीं करती, क्यों भाई टोपी वाले, हाँ हाँ जी। कितने तक के पहाड़े आते हैं, जितने तक आते उतने बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पूछूंगा नहीं, वैसे बता दो। 20 तक के आते ही हैं, कितने तक के आते हैं, 20 तक आते हैं, हाँ मेरे लाल 20 तक आते हैं, वेरी गुड, 20 तक कर लेते हो, ये 15 तक आते हैं, हाँ 20 तक, हाँ भाई तेराड़ा, देखो 10 तक पहाड़े सबको आते हैं भाई, मैं ये मान के चला हूं 10 तक पहाड़े सभी को आते हैं, आते ना 10 तक तो सभी को। एक तो कम से कम एक काम करो, 100 तक पहाड़े सीख लो, मतलब रटने नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे उंगलियों पे लेके आएंगे, उंगलियों पे कैसे आएंगे, जो धीरे 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 हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब पूछेंगे सर कैसे होता है, हमें तो केवल 10 तक ही पहाड़े आते हैं, कोई बात, 10 तक तो आते हैं ना, आगे कैसे पहाड़े सीखे जाते मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि आप मुझे 12 का पहाड़ा बताओ, मैंने कहा आप मुझे 12 का पहाड़ा बताओ, 12 का पहाड़ा मुझे आता ही नहीं। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ही बेसिक, ज्यादा बेसिक तो नहीं हो सकता ना जी। और जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो गारंटी दे रहा हूं कम से कम 1000 तक के स्क्वायर आप कर चुके होंगे। 12 का पहाड़ा मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, लेकिन क्या मुझे 1 और 2 का पहाड़ा आता है, 1 और 2 का तो आता है। 1 का पहाड़ा क्या होता है, 1 × 2 = 3, बोलते जाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही होता है 1 का पहाड़ा। पहाड़ा मतलब टेबल, जिसको इंग्लिश में पढ़ा होगा। 2 का टेबल बताओ, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, यही होता, कुछ और होता है। ये कितने का टेबल है, 1 का टेबल है, ये कितने का टेबल है, 2 का टेबल है, मुझे चाहिए कितने का, 12 का टेबल चाहिए, 12 का पहाड़ा चाहिए, लेकिन ये तो मैंने 1 का लिख दिया और 2 का लिख दिया। अब हमने क्या करेंगे, जब हम अलग अलग लिख देंगे हम इन दोनों को फिर बेटा मर्ज करेंगे, क्या करेंगे,
मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, इन दोनों को मिला दो, एक को दो को मिला दे, दोबारा बन गया, ये 24 बन गया, 12 दूनी 24 ही होता है, 36 बन गया, 12 तेरह 36 ही होता है, 12 चौक 48 ही होता है, कोई दिक्कत यही होता है ना। फिर यहां से दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, यहां से दिक्कत होना स्टार्ट होगी। कैसे, देखो यहां तक क्यों दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहां पे बेटा सिंगल सिंगल डिजिट थे, यहां पे मेरे सिंगल सिंगल डिजिट थे, जैसे मैं यहां पे आया मेरे लाल, मेरे डबल डिजिट आना स्टार्ट हो गए। तो क्या करना है, मुझे डबल डिजिट नहीं लेने, मुझे केवल सिंगल डिजिट लेना है। तो क्या करना है, ये लास्ट वाला यानी कि यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे जो डिजिट है उसको मैं रख लूंगा, और जो उसके आगे टेंथ प्लेस पे दहाई के अंक पे जो अंक है उसको मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा। यहां पे कितना 10 लिखा हुआ है, 10 का 0 मैंने यहां रख लिया, और फिर एक जो है एक में 5 को दे दिया, एक को जब मैं 5 को एक दूंगा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 6 बनने के बाद में क्या बन गया, ये 60 बन गया, नहीं बन गया, यही होता है, यही होता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 12, मुझे तो सिंगल डिजिट लेना है, तो किसको रखूं, इसको या इसको, यूनिट डिजिट वाले को रखना, इसको रख लिया, इसको आगे ट्रांसफर कर दूं, 6 में जब मैं एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7, तो कितना बन गया ये 72, यही होता, कुछ और होता है, यही होता भाई। इसका क्या कर लिया, फिर 4 रख लिया, एक आगे ट्रांसफर कर दिया, 84 हो गया, यही हो गया, कुछ और हो गया, बोलो, मिट जाना, मिट जा भाई, मिट क्यों नहीं रहा, 84 यही बना, क्या हो रहा भाई, ये क्या है, डबल डिजिट लिखा हुआ है, तो क्या करूं, इसको रख लू, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दूं, कितना हो जाएगा 96, इसको रख लू, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दूं, कितना हो जाएगा 108, इसको रख लू, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दूं, 10 और 2 कितना हो गया, यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है, कुछ और होता है। मैंने कहा बेटा एक काम करो, आप मुझे ना 64 का टेबल बताओ, 64 का टेबल बताओ, तोते उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे, लेकिन मुझे 6 और 4 का आता है, 6 और 6 का टेबल बता भाई, 6 दुनी 12, बोलते जाओ 24 30 36 42 48 कितना 54 आगे 60, यही होता भाई, है ना भाई। तो ये मैंने लिख दिया, 4 का टेबल बताओ, 8 12 16 20 24 28 32 36 40, यही कुछ और है। ये कितने का टेबल है, 6 का, ये कितने का टेबल है, 4 का। क्या मुझे 6 और 4 का टेबल चाहिए था, ये 64 का टेबल चाहिए था, 64 का टेबल बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं मर्ज करूंगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो 4 और 6 तो ठीक है, हो गया अपने आप, क्योंकि सिंगल डिजिट था, ये भी इसमें मर्ज हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल डिजिट है। जैसे मैं यहां पे आ गया है बेटा, ये क्या गया, डबल डिजिट, डबल डिजिट आते ही गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मुझे पता है गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, यूनिट डिजिट को मैं यहीं पे रखूंगा, इस एक को मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा, जब मैं 18 में एक जोड़ूंगा कितना बन जाएगा मेरा, कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा। ये 6 को मैंने रख लिया, एक को यहां पे दे दिया, जैसे मैं 24 को एक दूंगा कितना बन जाएगा, ये 25 बन गया। उसके बाद में इस 0 को मैंने यहीं पे रख लिया, ये इसको दे दिया, कितना हो गया ये 32, कोई दिक्कत, इसको यहीं रख लिया, 2 मैंने इसको दे दिया, कितना हो गया ये 38, इसको मिटा दिया। उसके बाद में ये मैंने यहीं रख लिया, ये इसको दे दिया, कितना हो गया ये 44, यही होगा, कुछ और हो गया, यही होता है भाई। उसके बाद में आगे क्या आ गया, ये 2 मैंने यहीं रख लिया, इसको दे दिया 48 को, जब मैं 3 दूंगा कितना हो जाएगा ये 48 को 3 देने के बाद में कितना बन जाएगा 51।
उसके बाद में क्या गया, 6 को रख लिया, 3 को मैंने इसको दे दिया, जब मैं 54 को 3 दूंगा कितना बन जाएगा 57, 0 को रख लिया 4 मैंने इसको दे दिया, जब मैं 64 को 4 दे दूंगा, 60 को 4 दे दूंगा कितना बन जाएगा 64। अब मेरा कितने का पहाड़ा बन गया, अब ये 6 और 4 का अलग अलग हो गया या अब ये 64 का बन गया, 64 का बन गया, नहीं बन गया। इस प्रकार से धीरे 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 मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूं, मुझे याद नहीं करना, याद करने का टाइम नहीं, या तो वो सारी चीजें करनी, याद करनी मुझे जीके की चीजें, जीएस की चीजें, इसको केवल मुझे समझना है। अब मैंने कहा भाई 96 into 5 क्या होता है भाई, अब हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, 96 into 5 कितना होता है, अब सीधा सीधा देखो करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिमाग में आ जाए, 9 5 45 होता भाई, 9 6 54 होता है, 5 इसको दे दिया कितना हो जाएगा 504, यस और नो, नौ पंजे पैंतालीस और 9 6 9 5 30 तो होता ना भाई, सॉरी ये 30 हो गया ना, ये 3 मैंने इसको दे दिया कितना बन गया ये 48। देखो ये किस चीज की कमी थी, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई तुमने, लेकिन धीरे 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 धीरे, अब अभी भी मैं मुझे पेन और कलम उठा रहा है, उठाना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा और आपसे पूछ लिया जाए कि 78 into 3 क्या होता है, आप सेकेंडों में कर पाओगे दिमाग में, 77 3 21 8 3 24, 2 उसको दे दिया कितना हो गया 200 हो गया, नहीं होगा माइंड, कितनी देर लगी अभी भी सोचना पड़ा, लेकिन सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हमारी सेकंड नहीं लगनी ये, अगर मैं इसको करने के लिए जाऊंगा ये मेरी 1-2 सेकंड खा जाएगा, लेकिन ये अगर मैं माइंड में करूंगा तो माइक्रो सेकंड लगनी है, अग्री डिसअग्री, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से मैं अपनी धीरे 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 बहुत सारे पहाड़ों के साथ, टेबल्स के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूं, और 1 to 100 तक अगर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बार बार करनी, ये नहीं कि एक बार हाँ जी समझ में तो आ गया और प्रैक्टिस नहीं की तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया तो इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी, 1 से 100 तक की कम से कम 20 बार आपको प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आपको सारी चीजें लर्न होती जाएंगी। कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत आएगी बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितने तक के पहाड़े आ गए आपको 100 तक कह सकते हो ना, आज के बाद में कहोगे जी मुझे 8-9 तक क्या आते, क्या कहोगे, कर लेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। अब दूसरी चीज आती बेटा अपनी कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए, दूसरी चीज आती मेरी स्क्वायर, मुझे स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं कितने तक के स्क्वायर आते हैं आपको, कितने तक के स्क्वायर आते हैं आपको, स्क्वायर कितने तक के आते हैं, वर्ग, स्क्वायर क्या होता है ना, जब मैंने दो वर्ड को एक इकट्ठा किया, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 48 power 2 चढ़ाते, ये पता होगा ना, हाँ ये होता है, कितने तक के स्क्वायर आते हैं आपको, 10 तक ही आते हैं, 15 तक के स्क्वायर आते हैं, 14 का स्क्वायर बता, 1 आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तो उंगलियों पे करने हैं, कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होता भाई, 1 नहीं लिखना 01,
अब बताओ भाई, अब चेक करो। ट्वेंटी फोर का बताओ भाई, फाइव सेवन सिक्स। ट्वेंटी फाइव का बताओ, सिक्स टू फाइव। हाँ ठीक है, थैंक यू। ट्वेंटी सिक्स का बताओ, सिक्स सेवन सिक्स। ट्वेंटी सेवन का बताओ भाई, सेवन टू नाइन। ट्वेंटी एट का बताओ भाई, सेवन एट फोर। ट्वेंटी नाइन का बताओ भाई, एट फोर वन। थर्टी का बताओ भाई, नाइन जीरो जीरो। नाइन जीरो जीरो लिख लिए? जिसने नहीं लिखे फटाफट लिखो एक बार। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। करें भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? करें एक बार फिर से रिपीट। वन का स्क्वायर, वन नहीं बोलना बेटा, जीरो वन। वो डबल डिजिट में क्यों बोलना है, जब मैं आप आगे चलेंगे तब मुझे समझ में आएगा। वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का, फोर का, वन सिक्स, फाइव का, ट्वेंटी फाइव बोल दो, टू फाइव बोल दो, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, टेन का, इलेवन का, ट्वेल्व का, थर्टीन का, फोर्टीन का, फिफ्टीन का, सिक्सटीन का, सेवनटीन का, टू एट, एटीन का, नाइनटीन का, ट्वेंटी का, ट्वेंटी वन का, ट्वेंटी टू का, ट्वेंटी थ्री का, ट्वेंटी फोर का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का। मैं आपको एक मिनट का देता हूं, एक बार फटाफट अपनी कॉपी में से वो एक बार नजर मारो, उंगलियों पे होना चाहिए, और एक बार नजर मारो, एक बार और कॉपी में नजर मारो जो मैंने अभी तक लिखा है, सीखा है। अब इसको और हम आगे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, याद नहीं करने, आंखों के फैमिलियर बनाने हैं, आंखों के फैमिलियर बनाने कि आप उनको आपकी आंखें पहचानने लग जाए। हो गया भाई? और हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये तो आपको क्या करने हैं, यहां तक के स्क्वायर तो आपको अपनी उंगलियों पे करने हैं। कैसे होंगे? याद नहीं करने, बार बार जब मैं इसको देखूंगा अपने आप आपकी आंखों के फैमिलियर होते चले जाएंगे। बार बार जब उन चीज किसी चीज को हम देखते हैं तो अपने आप वो चीज हमारे फैमिलियर होती चली जाती है, हाँ है ना? जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम भी कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमने वहां पे कितने सारे अननोन लोग मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते, हमें कितने सारे लोगों के चेहरे याद रहते, नहीं याद रहते, पता नहीं कितने सारे मिलते। लेकिन जब जिस इंसान से, जब मैं एक बार, दो बार, तीन बार, जब मैं रोज उससे मिलता हूं, उसका चेहरा कभी मैं भूलता नहीं हूं। बल्कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका चेहरा तो आप जानते होंगे लेकिन उनकी शक्ल नहीं है, उनका नाम नहीं जानते होंगे। और कई बार जब आपको कहीं मिलते हैं, निकलते हैं और एक दूसरे को देखते होंगे, आप उसकी तरफ मुस्कुराए, और क्यों मुस्कुराए पता नहीं, वो इसलिए मुस्कुराए कि हम एक दूसरे को जानते हैं।
चाहे नाम जानते या ना जानते, लेकिन हमने चेहरे एक दूसरे को देखा हुआ है। उसी प्रकार जब मैं किसी चीज को रोज देखूंगा, बार बार देखूंगा, ऑटोमेटिक वो चीजें मेरे दिमाग में याद होती चली जाएगी, उसकी इमेज मेरे दिमाग में सेट होती चली जाएगी। आई बात समझ में? तो इनको आप बार बार जब देखोगे, एक दो बार दो तीन बार, अपने आप ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आई बात समझ में? अभी आप कोई क्या कह रहा था कि सर मुझे 15 तक के पता है, मुझे 10 तक के पता है, मुझे 20 तक के पता है। आज कम से कम अभी अभी थोड़ी देर हुई है ना मैं बैठे हुए, कितने तक कह सकते हो? 30 तक कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, यस और नो? पहाड़े कितने तक के कह सकते हो? 100 तक के। और मैंने कहा 1000 तक सिखा के भेजूंगा स्क्वायर। कैसे? अब हम देखते हैं बेटा। कुछ एक तो मैं बता रहा हूं, कुछ एक नंबर पे, कुछ एक स्पेशल नंबर पे, कुछ एक स्पेशल ट्रिक लागू होती है। कुछ एक स्पेशल नंबर पे स्पेशल ट्रिक लागू होते, पहले मैं वो बता रहा हूं, फिर एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगी, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी, हर किसी नंबर पे एप्लीकेबल होगी। कुछ ट्रिक ऐसी है जो कुछ एक नंबर पे एप्लीकेबल होती है, एक ट्रिक ऐसी है जो हर किसी नंबर पे एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई 1 का स्क्वायर बताओ, आपने क्या कहा? 01। वेरी गुड, शाबाश। मैंने कहा बेटा 11 का स्क्वायर बताओ, 1 2 1 1 2 1। मैंने कहा बेटा 111 का स्क्वायर बताओ, 111 का स्क्वायर। यहां तक मुझे नहीं आता, मैं तो 30 तक किया है। तो अगर मैं इसका 11 का स्क्वायर मैं करके देखूंगा, 11 का स्क्वायर करके देखूंगा, तो भाई मैंने कहा भाई 111 का स्क्वायर क्या होता है? 111 से गुना। स्क्वायर का मतलब यही तो होगा ना, मैं 1 की 1 से गुना करूंगा, 11 हो जाएगा। फिर हम एक स्पेस खाली छोड़ दे, काटा लगा देते हैं, फिर 3 बार 111 आएगा। फिर मैं क्या करूंगा? 2 स्पेस छोड़ूंगा, है ना भाई? फिर मैं क्या करूंगा? फिर 111 लगाऊंगा। ऐसे करें, अब 1 की 3 बार गुना हो गई होगी। अब इसको जोड़ूंगा, 1 2 3 2 1, यही हो गया। अब मैंने इसके यहां पे लिख दिया 1 2 3 2 1, यही लिखा, कुछ और लिखा? यही लिखा? नहीं लिखा। अगर मुझे 111 का स्क्वायर निकालना है तो क्या ऐसे ही निकलता, कुछ दूसरे तरीके से निकलता है? बेसिक ट्रिक यही है भाई, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही है कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू स्क्वायर। बोलो तो क्या ये स्क्वायर मैंने सही निकाला गलत निकाला? सही निकाला ना? वेरी गुड, शाबाश। लेकिन इसमें टाइम तो लगा ना मेरा, 2-4 सेकंड खराब हो गए, और हमने वो सेकंड ही बचाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। अब ये तो मैंने कर दिया, फिर मैंने क्या बेटा 111 का स्क्वायर बताओ। फिर इसको करेंगे 1111 × 1111, टाइम लगेगा। 4 बार करें, टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ट्रिक असल में कुछ नहीं होती, ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक होती एक ऑब्जर्वेशन। कोई काम मैं कर रहा हूं, उसका एक पैटर्न को मुझे पकड़ना होता है कि इसका क्या पैटर्न बन रहा है। बेटा मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया। 11 में कितने 1 थे बेटा? 2 1 थे, तो मैं 1 और 2 तक गया, 2 तक गया, और 2 से फिर वापस 1 तक आया। 111 में कितने 1 थे बेटा? 3, तो मैं कितने तक गया? 3 तक गया, और फिर इसी 3 से वापस 1 तक आया। क्या पैटर्न मुझे समझ में आया? अब यहां पे इसमें कितने 1 है बेटा? 4 1 है, तो मैं 1 2 3 4 तक जाऊंगा, और इसी 4 से मैं वापस 1 तक आ जाऊंगा। 4 3 2 1, आई बात समझ में? मैंने कहा बेटा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बताओ। कितने 1 है बेटा? 7 1 है, तो कितने तक जाना पड़ेगा मुझे? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 तक गया, और इसी 7 से फिर मुझे वापस 1 तक आना है। 7 6 5 4 3 2 1, सही किया गलत किया? अगर ये सोचो, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़े तो सोचो कितनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कितनी लंबी, यहां तक आ जाएगी, यहां से शुरू करेंगे यहां तक आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? लेकिन ये लिखने में कितनी देर लगी? सेकंड भी नहीं लगी। यस और नो? यही ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर मेरे पास कहीं पे 111 का है, 1 कितने बार रिपीटेड है, 2 बार रिपीटेड, 2 तक जाऊंगा वापस 1, 3 बार रिपीट, 3 तक जाऊंगा, 3 से फिर 1 तक जाऊंगा,
चार बार है तो चार तक जाऊंगा, फिर वन तक आ जाऊंगा, जितने बार रिपीट उसी नंबर तक जाऊंगा, फिर उसी नंबर से फिर वापस वन तक आ जाऊंगा। ये होता है वन के लिए। आई बात समझ? अगर इसका स्क्वायर मुझे कहीं पे निकालना तो मैं ऐसे निकालूंगा। बात समझ में आ गई? नोट करना चाहोगे या मिटाऊं? नोट करना चाहोगे मिटाऊं? नोट करना चाहोगे मिटाऊं? जल्दी कीजिए, नोट करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। क्रेजी सिद्धार्थ गुलशन गौर। हाँ भाई, बाकी जो आप लाइव देख रहे हैं एक बार लिख के भेज देना। कोमल सिंह, कमल राय, कृष्णा, अंजलि, सचिन, पूजा प्रजापति, काजल, प्रवीण, वेरी गुड करें भाई। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अगर आपके सामने वन का स्क्वायर होगा, इजीली कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है? मांगे चलूं? ठीक है, ओके। मैंने कहा बेटा फाइव का स्क्वायर बताओ, कितना बताया आपने? 25। मैंने कहा बेटा 15 का स्क्वायर बताओ, कितना हो गया? 225। यही हुआ? बोलो। मैंने कहा बेटा 25 का स्क्वायर बताओ, 625। मैंने कहा बेटा जिसको नहीं आता चुप बैठेंगे। 35 का स्क्वायर बताओ। देखो भाई किस सर, हमने तो 30 तक किए हैं, हमने तो 35 तक किए, कहा है ना? अब क्या करूं? ऑब्जर्व। मैंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन। पहले वाले मैंने क्या कहा था? ऑब्जर्वेशन। देखो क्या पैट, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा बेटा। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 25। यानी कि मुझे एक चीज तो पता चल गई मेरी लाडली। एक चीज क्या पता चली? एक चीज ये पता चली सर, कोई भी नंबर है और उस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है और उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट के 2 डिजिट पक्का है 25 आएंगे। यही है ना? नहीं है? इसमें भी 25, इसमें 25, इसमें 25। क्या एक ऑब्जर्वेशन मुझे करनी आई या नहीं करनी आई? यानी कि मेरा अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर का लास्ट डिजिट 5 और उसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 25 आएंगे, ये पक्की बात है। यस और नो? यस और नो? उसके बाद में यहां तक तो ठीक है, लेकिन सर 25 तो आ गया, ये 2 कैसे आया होगा? 2 कैसे आया होगा? 2 ऐसे आया होगा भाई, 2 ऐसे आया होगा जब मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये 6 कैसे आया होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये ऑब्जर्वेशन भी होगी। यस और नो? यानी कि अगर मुझे 35 का स्क्वायर निकालना तो मुझे पता चल गया लास्ट के तो 25 आने ही आने हैं, लास्ट के 2 डिजिट। हाँ या ना? 5 गया, अब क्या आ गया मेरा? हाँ जी, अब क्या बच गया मेरा? 3। 3 से अगला नंबर क्या होता है? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 12। वो मैंने यहां पर लिख दिया। यस और नो? अरे काम मेरा हो गया। मैंने कहा बेटा 45 का स्क्वायर बताओ, मुझे पता चल गया लास्ट के 2 डिजिट 25 आने हैं। ये हो गया मेरा, क्या बच गया मेरा? 4। तो 4 से अगला नंबर क्या होता है? 5। जब 4 और 5 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन जाएगा? 20 बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा बेटा 65 का स्क्वायर बताओ, 65 का स्क्वायर बताओ, मुझे ये पता है बेटा लास्ट के 2 डिजिट 25 आएंगे, 25 आएंगे, क्यों? नंबर है और लास्ट डिजिट 5 और उसका स्क्वायर निकाला, लास्ट के 2 डिजिट 25 यानी कि 25 होगा ही होगा। यस और नो?
छह से अगला नंबर क्या दे बेटा? सेवन, छह और सात की मल्टीप्लाई करेंगे 42, कोई दिक्कत है? मैंने कहा बेटा 2295 का स्क्वायर बताओ, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे 2295 × 295 ऐसे करके निकालूंगा, क्या मेरा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन इससे अब कितनी देर लगेगी? कितनी देर नहीं लगेगी, तुरंत हो जाएगा। कैसे? फाइव है नंबर, है लास्ट डिजिट क्या है? फाइव। तो लास्ट के टू डिजिट क्या आएंगे? 25। 29 से अगला नंबर क्या होता है? 30। इसकी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब सेकंडों में कर लोगे? यानी कि अगर कोई भी मेरे पास नंबर गिवन है और उस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है और उसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लिखना चाहोगे या मिटाऊं? लिखना चाहो तो लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। पंकज लिख ले मेरे लाडले। उसको ऑन तो कर दिया होगा ना मैडम? इसको ठीक है। हाँ चलो मेरे लाल, आगे चलो, मिटा दूं इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैंने कहा बेटा 3 का स्क्वायर बताओ, 9 या 09? आपने क्या बताया? 09। यही बताया बेटा या कुछ और बताया? यही बताया। मैंने कहा बेटा 3 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर बताओ। अब क्या करना है? ये 3 देख लिया, इसका 09 मैंने लिख दिया, इसका 3 का स्क्वायर 09 होता है। आई बात समझ में? अब इस 3 के अलावा कितने 3 और बच गए? 1 3 बच गया ना बेटा। तो 9 से छोटा, जस्ट छोटा नंबर क्या होता है? 8। तो मैंने 1 8 लिख लिया यहां पे। 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 1। 1 1 लिख दिया। आई बात समझ में? यानी कि 3 3 का स्क्वायर 09 लिखा मैंने, और इनके बीच में उतने ही 8 आएंगे जितने ये 3 बच गए। कितने 3 बचा हुआ था? 1 1 8 लिखा। 0 के आगे उतने ही 1 आएंगे जितने 3 बचे हुए। आई बात समझ में? बेसिक। और रिपीट ले, ठीक है? 3 3 3 का स्क्वायर कितना? 09। इसका 09 होता है। कितने 3 और बच गए बेटा? 1 3 को हटा दिया जाए तो 2 3 बच गए ना। तो 9 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है? 8। तो 0 और 9 के बीच में 2 8 लिखने हैं। कितने? जितने ये बच्चे हुए हैं उतने ही 8। कितने बच्चे हुए? 2। तो 2 8। 0 से आगे 1 लिखने हैं। कितने? जितने ये 8 लिखे हैं, ये जितने बच्चे हुए। आई बात समझ में? मैंने कहा बेटा 3 3 3 3 3 का स्क्वायर बताओ, तो क्या मैंने बताया? 09। 1 3 गया, कितने 3 बच गए बेटा? 4 बच गए। तो 0 और 9 के बीच में 8 आएंगे। कितने बार 8 आएंगे? 4 टाइम लिख दिया। 0 के आगे 1 आएगा, कितने बार? 4 बार। कर लोगे? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? ठीक है, आगे चलूं?
मैंने एक चीज और मैं बता देता, मैंने कहा बेटा 6 का स्क्वायर बताओ, 36। मैंने कहा बेटा 6 का स्क्वायर बताओ, मैं तो 30 तक सीखे सर, कोई बात नहीं। इसमें भी क्या करना, इसमें भी सेम लागू होगा बेटा, 36 लिखा, 1 6 बच गया, 6 से जस्ट छोटा नंबर 5, एक बार 5 लिखना है क्योंकि एक बचा तो एक ही बार लिखना है, 3 से जस्ट बड़ा नंबर 4, एक ही बार 4 लिखना है। आई बात समझ में? मैंने कहा बेटा 666 का स्क्वायर बताओ, क्या लिख दिया मैंने, 36, एक कितने 6 बच गए, 2, 3 और 6 के बीच में 5, कितने बार, 2 बार 5 लिखे मैंने, कोई दिक्कत। 3 से जस बड़ा नंबर 4, कितने बार, 2 बार ही, कोई दिक्कत है। मैंने कहा बेटा 66666 का स्क्वायर बताओ, क्या लिख दिया मैंने, 36, कितने 6 बच गए, 4, 6 से जस छोटा नंबर 5, यानी कि स्क्वायर इसके बीच में 5 आएगा, कितने बार, 4 बार, कोई दिक्कत। 3 से जस बड़ा नंबर 4, कितने बार, 4 बार, कोई दिक्कत, कर लोगे, समझ में आ गई, उतारो। डन, आगे चले है? क्या है? हाँ बिल्कुल, उसपे भी अप्लीके, अभी मैंने शुरू खत्म कहा हुए हैं, अभी तो वो भी उसपे भी आएंगे, चिंता ना करो, कोई दिक्कत है भाई यहां तक, मिटाऊं? वेरी गुड, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैंने किस किस नंबर का देख लिया, मैंने 1 का देख लिया जो स्पेशल, फिर 5 का, 3 का, 6 का, और एक लास्ट और देखते 9 का, 9 का भी सेम होगा और फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा बेटा 9 का स्क्वायर बताओ, कितना बताया आपने, 81, यही होता है, ओके। मैंने कहा बेटा 99 का स्क्वायर बताओ, इसमें भी क्या करना बेटा, मुझे 81 लिख देना है, ये 9 यूज हो गया, कितने 9 बच गए, 1 9 बच गया, तो 1 से जस्ट छोटा 0, कितने बार, 9 से जस्ट, 1 से जस्ट बड़ा 9, कितने बार, 1 बार। आई बात समझ में? वेरी गुड। मैंने कहा बेटा 9 9 9 का स्क्वायर बताओ, क्या आएगा, 81 तो आएगा ही आएगा, कितने 9 बच गए, 1 1 और 8 के बीच में क्या ना है, 0, कितने बार, 2 बार, 8 से आगे क्या ना है, 9, कितने बार, 2 बार ही। आई बात समझ में? मैंने कहा बेटा 9 9 9 9 का स्क्वायर बताओ, कितना ना है, 81, कितने 9 बच गए, 3, 1 और 8 के बीच में 3 0, इसके आगे 3 9, कर लोगे, हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक कुछ स्पेशल नंबर के लिए चीजें थी, अब हम उसकी तरफ होंगे, मेरे पास कोई भी नंबर हो हर किसी के ऊपर वो लागू। डन भाई, मिटा दूं? ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात और शुरू करके फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे एक बार बताओ,
98 करना आसान या 98 × 100 करना आसान? 98 × 98 करना आसान या 98 × 100 करना आसान? 98 × 100, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीधी डबल जीरो लगा देनी, यस और नो? हालांकि ये बड़ा है, यानी कि मैं बड़े को आसानी से कर पाता हूं, यानी कि मुझे क्या करना अपने चीजों को आसान बनाने के लिए, अब हम नंबर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे नंबर को, आसान चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अब मुझे क्या करना, यानी कि 100 के आसपास नंबर को लेके जाना है, 100 के प्लस माइनस में उस नंबर को मैंने तोड़ना है। कैसे? मैंने कहा बेटा 98 का स्क्वायर बताओ, 98 का स्क्वायर बताओ। इतना आसान नहीं होगा निकालना, ये नहीं कि मैं निकाल नहीं सकता, निकाल तो सकते ही है क्योंकि मुझे 98 × 98 करना है, लेकिन उसमें मेरी समय लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, और यहां पे मुझे क्या करना, हमने समय को ही बचाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना समय बचेगा, जो आसान सवालों का समय मैं मुश्किल सवालों में लगा पाऊं, है ना भाई? आप ये बताओ क्या ये नंबर 100 के आसपास है या नहीं है? ये नंबर 100 के आसपास है, नंबर 100 के आसपास है, लेकिन नंबर 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा? 100 तो नहीं है ना नंबर, नंबर 100 नहीं है, लेकिन मुझे बताओ नंबर 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है? 2 का डिफरेंस है इस नंबर में और 100 में, जितने नंबर का डिफरेंस है बेटा मुझे उसका स्क्वायर किया, मुझे उस नंबर का स्क्वायर कर दिया, जितने नंबर का इस नंबर में और 100 का डिफरेंस है, बात समझ में आ गई? फिर मैंने एक पार्टीशन डाल दिया, फिर मैंने एक पार्टीशन डाल दिया, उसके बाद में मैंने ये नंबर बेटा एज इट इज लिख दिया 98, ये नंबर एज इट इज लिख दिया, ये नंबर एज इट इज लिख दिया, बात समझ में आ गई? इस नंबर में 100 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर किया, फिर मैंने पार्टीशन डाला, फिर ये नंबर मैंने एज इट इज लिखा, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मुझे बताइए नंबर 100 से कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? कम है, तो कम के लिए मैं लगाऊंगा हमेशा माइनस, अगर नंबर ज्यादा होगा तो मैं क्या लगा दूंगा? प्लस। कम के लिए क्या लगा दूंगा बेटा? माइनस। क्या माइनस? यही नंबर, यानी कि जो डिफरेंस था वही डिफरेंस मैंने लिख दिया। आई बात समझ में? जब बेटा 98 में से 2 माइनस करूंगा कितना बच गया? 96। और 2 का स्क्वायर अभी मैंने सीख क्या हूं, अभी आपको पता चलेगा हमेशा हम डबल डिजिट में क्यों लिखते हैं। कितना लिखा बेटा मैंने? 04। सही लिखा, यहां तक गलत लिखा? यहां तक सही है गलत है? अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, फिर हम फटाफट करेंगे। इस पार्टीशन के बाद में बेटा ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैंने पहाड़े में सिंगल डिजिट लिया था, जब मैंने शुरू में पहाड़े आपको इसलिए पहाड़े सिखाए थे वहां से आपको बेस बनाने के लिए, अब ये सिखा रहा हूं यहां पे बेस बना लेंगे और चीज आगे काम आएगी। अब इस पार्टीशन के बाद में बेटा कितने भी डिजिट लिखे हूं, लेकिन मुझे लेने केवल 2 है, लेने केवल 2 है। कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 2 लिखे हुए हैं, और लेने मुझे कितने हैं? 2 ही लेने हैं। 2 लिखे हुए हैं, 2 ही लेने हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं एच डी लिख दूंगा 9604। अगर 2 डिजिट से ज्यादा लिखे होते तो फिर जैसे हमने पहाड़े में किया था वहां पे करेंगे, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये मैंने 98 पे किया, अब हम सेम एक ज्यादा पे कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा 102 का स्क्वायर बताओ, 102 का स्क्वायर बताओ, 102 का स्क्वायर बताओ। बेटा इस नंबर में 100 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो बेटा मैंने क्या किया? 2 का स्क्वायर किया, जितने का डिफरेंस उसका स्क्वायर किया। उसके बाद में क्या बताया? ये नंबर मैंने एच डी लिखा यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब ये नंबर 100 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या बताया बेटा मैंने? प्लस। कम के लिए क्या बताया? माइनस। ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस। क्या प्लस करें? यही डिफरेंस, यही डिफरेंस। कितना हो जाएगा? 104 और 2 का स्क्वायर 04। इसके बाद में कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 2। लेने कितने हैं? 2। 2 लिखे हुए हैं, 2 ही लेने हैं, तो फिर मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं हुई?
वेरी गुड, शाबाश। हम धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो मैथ्स क्या है ना, सारा प्रैक्टिस बेस पे होता है। अब मैंने कहा बेटा 96 का स्क्वायर बताओ, 96 का स्क्वायर बताओ, नंबर 100 के आसपास है, लेकिन 100 में और इस नंबर में बेटा कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो बेटा मैंने 4 का स्क्वायर किया, ये पार्टीशन लगा, 4 का स्क्वायर किया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये नंबर एच डी लिखते हैं, मैंने 96 लिखा, हाँ है ना, बोल नहीं रहे यार, ये सो गई है लड़की तो, सही है। अब ये नंबर बेटा 100 से कम है या ज्यादा है, कम है, कम के लिए क्या लिखते हैं, माइनस, क्या माइनस, यही 4 माइनस किया, कोई दिक्कत, 96 में से 4 माइनस करूंगा 92, 4 का स्क्वायर 16। इसके बाद में कितने डिजिट लिखे हुए हैं, लेने कितने हैं, 2 ही लिखे हूं, 2 ही लेने, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दूंगा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा बेटा 107 का स्क्वायर बताओ, 107 का स्क्वायर बताओ, बेटा नंबर 100 के आसपास है, 100 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, तो 7 का स्क्वायर किया। उसके बाद में ये नंबर एज इट इज लिखा, यस ओ नो, नंबर 100 से कम है या ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या करूंगा पंकज, प्लस करूंगा, क्या प्लस करूं बेटा, यही नंबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। 107 में जब मैं 7 ऐड करूंगा 114 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49। पार्टीशन के बाद में कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 2, लेने कितने हैं, 2 लिखे हुए, 2 ही लेने हैं, एज इट इज लिख दूंगा 11449। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम और दूसरे नंबर के साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे, अगर आप कुछ लिखना चाहते लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर आप चाहें ये क्लास जो चल रही है आपके पास घर पे भी अवेलेबल हो जाए, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ये इस क्लास का लिंक सेंड कर, मिटा दूं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे, ठीक है, कर लोगे, मां कसम कर लेना। ये नंबर पे बेटा 92135405558, इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज देना। ये सेम क्लास अगर आप घर पे भी या देखना चाहो या किसी अपने दोस्त को दिखाना चाहो उसको भी दिखा सकते हो, सेम क्लास आपके पास आपके फोन में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना, इस नंबर पे 92135924540558, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना नाम लिख के, ठीक है, बेटा दूं, चलो आ जाओ। अब बेटा मैंने कहा 92 का स्क्वायर बताओ भाई, नंबर 100 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो 8 का मैंने स्क्वायर किया सबसे पहले, उसके बाद में पार्टीशन डालते हैं, ये नंबर एज इट इज लिखते हैं, नंबर 100 से कम है ज्यादा, कम, कम के लिए माइनस, क्या माइनस, यही नंबर, यस और नो, 92 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा 64। पार्टीशन के बाद में कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 2 डिजिट लिखे हुए हैं, लेने कितने हैं मुझे, 2 लेने हैं और 2 ही लिखे हुए हैं, यस और नो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिख देंगे, यस और नो,
कितना जगह 84 64। कोई दिक्कत है मेरे लाल? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। मैंने कहा बेटा 112 का स्क्वायर बताओ, 112 का स्क्वायर बताओ। नंबर 100 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है? 12 का। तो मैंने 12 का स्क्वायर लिखा, ये नंबर एज इट इज लिखा। अब ये नंबर 100 से कम है ज्यादा? ज्यादा के लिए क्या करते हैं? कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। क्या प्लस करते? यही नंबर जो डिफरेंस होता है। यस और नो? 112 में 12 ऐड करेंगे 124, 12 का स्क्वायर 144। यस और नो? पार्टीशन के बाद में कितने डिजिट लिखे हुए बेटा? 3 डिजिट लिखे हुए हैं। लेने कितने हैं? लिखे हुए हैं 3, लेने हैं 2। आगे ना वही बात। तो मैं क्या करूंगा बेटा, लास्ट के 2 डिजिट रख लूंगा और 1 डिजिट यहां पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? 125। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटा 86 का स्क्वायर बताओ, 86 का स्क्वायर बताओ। नंबर 100 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है बेटा? 14 का। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले 14 का स्क्वायर करूंगा। यस और नो? ये नंबर एज इट इज, यस और नो? कितने का डिफरेंस है? नहीं, ये नंबर 100 से कम है ज्यादा? कम के लिए माइनस। क्या माइनस? 14 ही। 86 में से 14 माइनस करेंगे 72। 14 का स्क्वायर 196। कितने डिजिट लिखे हुए हैं? लेने कितने हैं? 1 एक्स्ट्रा है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट रख लेंगे और एक ये यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 96। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस और नो? एक दो और करवा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? मिटा दूं? लिखो। डन मेरे भाइयों बहनों? आगे चलें? मिटाऊं? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? मैंने कहा बेटा 78 का स्क्वायर बताओ, 78 का स्क्वायर बताओ। नंबर किसके आसपास है बेटा? 100 के आसपास। कितने का डिफरेंस है? 22 का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया बेटा, 22 का स्क्वायर किया, 22 का स्क्वायर किया। यस और नो? उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये नंबर एज इट इज लिखते हैं। बोलो, 100 से कम ज्यादा? कम के लिए माइनस। क्या माइनस? यही नंबर। यस और नो? कितना हो जाएगा? 56। 22 का स्क्वायर 484। ये देखो, ये लिखा हुआ, इसलिए ये जरूरी है। अगर याद है तुरंत कर लेंगे, बस ये करने की जरूरत, बाकी तो अपने आप होते चले जाएंगे। कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 3। लेने कितने हैं? 2। लास्ट के 2 डिजिट रखे, एक यहां पे ट्रांसफर कर दिया। कितना हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत? मैंने कहा बेटा
126 का स्क्वायर बताओ, 126 का स्क्वायर बताओ, नंबर 100 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है बेटा, उसका स्क्वायर किया, यस और नो, ये नंबर एज इट इज लिखा, यस और नो, 100 से कम है या ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस, क्या प्लस, यही नंबर 26, हाँ है ना, 126 में 26 ऐड करेंगे 152 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर अभी हमने लिख सीखा है, क्या लिखा हुआ है, 7 6 7 6 7 6, यस और नो, कितने लिखे हुए हैं, 3, लेने कितने हैं, 2, लास्ट के 2 डिजिट रखे और एक यहां पे ट्रांसफर कर दिया, कितना हो जाएगा, 158 और 76, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई है, एक बार और उतार, एक बार उतार फिर बताऊंगा शांत रखो, ये स्क्रीन भी मिल जाएगी, चिंता ना करो, जो पढ़ा रहे हैं एज इट इज, अगर आप नोट्स ना बनाना, नोट्स बना लोगे तो बढ़िया है, अगर आप चाहो कि ये यूं कि आपके उस पे आ जाए वो भी आ जाएगी, लेकिन उसमें क्या ना कहीं नुकसान आपको, आलसी हो जाओगे ज्यादा, नहीं तो उसमें क्या क्यूआर स्कैन किया जो जो लिख रहा हूं आपके वहां पे पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी क्यों जी बेटा भाई, अब मेरा लाल कह रहा था कि सर दोबारा बताओ, आ जाओ बेटा, नंबर 100 के आसपास है, 100 में इस नंबर में कितने का डिफरेंस है, 26 का, 26 का स्क्वायर किया बेटा, पार्टीशन डाला, ये नंबर एज इट इज लिखा, ये नंबर 100 से कम है ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस, क्या प्लस करें, यही 126 में 26 ऐड करेंगे 152 हो गया, और 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 3, लेने कितने हैं, 2, तो लास्ट के 2 डिजिट रख लिए, 6 यहां पे ट्रांसफर कर दिया, 6 को जब मैं इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा, 158, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, बोलो मिटाऊं, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, अब मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं और करना आपको, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है भाई, लिखो बेटा 84 का स्क्वायर लिखो, 113 का स्क्वायर लिखो, 76 का स्क्वायर लिखो, 123 का स्क्वायर लिखो, 119 का स्क्वायर लिखो और 77 का स्क्वायर लिखो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट, मिटाऊं भाई, कर लिया, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, कितने का डिफरेंस है बेटा, 16 का डिफरेंस है, 16 का स्क्वायर किया 100 में इस नंबर में, ये नंबर एज इट इज लिखा, 100 से कम ज्यादा, कम के लिए माइनस, क्या माइनस, यही नंबर 16, कोई दिक्कत है, 16 का स्क्वायर 256, 84 में से 16 माइनस करेंगे 68, कितने डिजिट हैं, 3, लेने कितने हैं, 2,
तो 2 लाख लिए किसको दे दिया, कितना आ जाएगा ये 756, 756 को दिक्कत है, किस किस का था? वेरी गुड शाबाश, 113 कितने का डिफरेंस है बेटा, 13 का, तो क्या किया मैंने 13 का स्क्वायर किया, यस और नो, पार्टीशन डाला, ये नंबर एज इट इज 100 से कम ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस, क्या प्लस 13, फटाफट आप देखो पुराने होते जाओगे जैसे जैसे वैसे वैसे डांट लगनी स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर, है ना भाई। और कल तो आज तो पहला पहला दिन है, पहला पहला घंटा खत्म हो गया, पहले 10 मिनट अलग होते हैं, फिर आधे घंटे बाद कुछ और, फिर 1.5 घंटे बाद कुछ और, फिर अगले दिन कुछ और फिर एडमिशन लेने के बाद में कुछ और। क्यों मनुल्ला? कितने का स्क्वायर हो गया बेटा, 169, यही होता है 113 और 13, 126, सही लिखा गलत लिखा? कितने डिजिट? 3 लिखे हुए, लेने कितने? ट्रांसफर कर दिया, कितना हो जाएगा 12769, को दिक्कत? को दिक्कत? आ जा मेरे लाले, कितने का डिफरेंस? 24 का डिफरेंस, 76, कम ज्यादा? कम के लिए क्या 24, 76 में से 24 माइनस करेंगे 52, 24 का स्क्वायर 576, 2 डिजिट रख लिए कि यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5776, कोई दिक्कत? यही है भाई शाबाश। 23 का स्क्वायर लिखा बेटा 123, प्लस लिखा 23, कितना हो जाएगा 146, इसका कितना होता है 529, ये रख लिया यहां पे ट्रांसफर कर दिया, कितना हो जाएगा 15129, सही है गलत है? शाबाश। कितना आ गया बेटा 19 का, 19 का स्क्वायर लिखा 119, प्लस क्या यही नंबर, कितना हो गया बेटा 138, इसका कितना हो गया 361, ये रख लिया यहां पे दे दिया, कितना हो जाएगा 14161, ठीक है बेटा, इस पे आ जाओ, कितने का डिफरेंस 23 का स्क्वायर किया 77, कम है माइनस, क्या माइनस 23, क्या कितना आ जाएगा ये 54, इसका 529, यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए 5929, कोई दिक्कत है यहां तक? अब 1 से लेकर 30 तक तो हमने ये लिख लिए, ये कर लिए, उसके बाद में 70 से लेकर के 130 तक क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ऐसे हो सकता नहीं हो सकता, कितने हो गए यानी कि मेरे 90 तक के तो मैं कर लिए, यस और नो, आगे आ जाओ, अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी की? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ही बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता मैथ्स में, है ना भाई। अच्छा बताओ, क्या मैं 100 को 1 × 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? yes, बोलो भाई। yes, उसी प्रकार से अगर मुझे 50 को लिखना पड़े 100 की टर्म में, कैसे लिखूंगा मैं 1/2 × 100? बोलो हाँ। ये होता ना भाई, यानी कि 50 को कई बार होता ना, जैसे हमारे पास सवाल लिखा होता है कि इसे एक्स की टर्म में इसका उत्तर निकालो, उसी प्रकार से अगर मुझे 50 को 100 की टर्म में लिखना हो तो 1/2 × 100 ऐसे तो लिखेंगे, बोलो भाई। ये मैं आपको क्यों बता रहा, आपको समझ में आएगा बेटा। मैंने कहा 52 का स्क्वायर बताओ, 52 का स्क्वायर बताओ, अब मैंने 100 से 30 प्लस माइनस तक के तो निकालने आसान है,
क्योंकि मेरे 30 तक के स्क्वायर तो आते हैं, लेकिन 100 में और इस नंबर में कितने का डिफरेंस है? 48 का स्क्वायर तो आता ही नहीं, 48 का स्क्वायर तो आता ही नहीं, वो तो और वो आएगा फिर बुरा बैंकर हो जाएगा मामला, यस और नो। और हमने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ, सो छोड़ो, क्या ये नंबर 50 के आसपास है या नहीं है? और 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, तो यहां पर भी ऐसे करेंगे। अब ये बताओ 50 में और इस नंबर में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस, तो बेटा 2 का स्क्वायर लिखा। उसके बाद हम क्या करें, ये नंबर एज इट इज लिखते हैं, यस और नो। ये नंबर 50 से कितना कम है, कितना ज्यादा है? ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस करते आए हैं, कितना प्लस? 2। और ये नंबर ये 100 की टर्म में है, लेकिन ये नंबर तो 100 से आधा है, इसका आधा कर दें, क्योंकि 50 तो 100 का आधा है। मैंने 50 बेस माना है आपकी बार, और 50 100 का आधा होता, तो यहां पे इसका भी मुझे आधा करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड, शाबाश। अब ये बताओ 52 में 2 ऐड करेंगे कितना हो गया बेटा? 54 डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर 04, यस और नो। इसको इससे काट दिया 27, तो कितने, इसके बाद में कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 2, लेने कितने हैं? 2, 2 ही लिखे, 2 ही लेने हैं, एज इट इज आ जाएगा 2704। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आगे भाई, वेरी गुड। मैंने कहा बेटा 46 का स्क्वायर बताओ, 40 दिखाई तो दे रहा है, वो रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, साफ दिखाई दे रहा है? 46 का स्क्वायर बताओ बेटा, नंबर किसके आसपास है? 50 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है बेटा? उसका स्क्वायर किया, ये नंबर एज इट इज लिखा, यस और नो। ये नंबर 50 से कम है ज्यादा? कम के लिए क्या करते हैं हम? माइनस क्या है? यही नंबर, यस और नो। और ये नंबर 50 बेस मान रहे, तो इसको मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, यस और नो। आ जा बेटा, अब 4 का स्क्वायर 16, 46 में से 4 माइनस करेंगे 42 बटे 2, ये इससे 21 से कट गया, यस और नो। कितने डिजिट है? 2, 2 लिखे हुए, 2 ही लेने हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको समझ में आगे उतार लो, फिर फटाफट आगे चलते हैं, क्योंकि रीजनिंग वाले सर आपके आ चुके हैं। बोर तो नहीं हुए? बोर तो नहीं हुए? पांच सात मिनट और शेष है मेरी क्लास के, 5-7 मिनट में स्पीड पकड़नी पड़ेगी। रेडी हो? रेडी हो ना? आ जाओ, मिटाओ भाई, मिटा दो, बोलो। मैं बोल ना चश्मे वाली बहन जी, बै 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 बै। मिटा दूं? आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन लगवा लो। जो हो गया वो तो लगवा लो। मैं भी जा रहा हूं क्लास के जस्ट बाद में, खाना खा के वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं आज मैं। जिसने नहीं लगवा ली, लगवा लो भी फटाफट। मैडम ही, क्योंकि उससे यही सबसे बड़ा बचाव है। तेरी शकल अच्छी नहीं है ना, तू बात अच्छी क्या कर? आ जा भाई, कोई दिक्कत है अभी बेटा? अगर 50 का बेस के आसपास कोई भी नंबर हो, निकाल लोगे नहीं निकालोगे? मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करूं, क्योंकि कम समय मुझे आगे चलना है। कर लोगे? 38 का निकालना पड़े तो क्या करोगे? कितना डिफरेंस? 12 का, 12 का किया 38 माइनस करो, यस और नो। 64 का निकालना पड़े, 14 का डिफरेंस, 14 का 64 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, कर लोगे? कर लोगे ना? अलग अलग ये प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं आगे चल रहा हूं।
अब ये बताओ, एक से लेकर के 130 तक का अगर कोई भी नंबर होगा, अब आप इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? 1 to 130, यस और नो? आगे चले भी हम? मैंने कहा बेटा 50 इज इक्वल टू, आपने कहा 1/2 × 100, यस और नो? अगर बेटा कोई नंबर 150 के आसपास है और उसका स्क्वायर निकालना है, तो 150 क्या होता है? 3/2 × 100, यही होता है या नहीं होता? क्या मैं 150 को 150 को 3/2 × 100, 3/2 × 100 ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ये सही है गलत है, यही आएगा? अब ऐसे ही करना है। मैंने कहा बेटा 148 का स्क्वायर बताओ, 148 का स्क्वायर बताओ, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, मैं 30 तक के सीखे, लेकिन मुझे पता है निकालते कैसे, यस और नो? बोलो नंबर किसके आसपास? 100 में तो काफी डिफरेंस है, लेकिन मुझे पता है 150 के आसपास है। अब की बार मैं बेस क्या मानूंगा? 150 बेस मानूंगा। 150 में इस नंबर में कितने का डिफरेंस है बेटा? 2 का। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 का स्क्वायर किया, यस और नो? फिर मैंने क्या किया, इस नंबर को एज इट इज लिख दिया, यस और नो? बोलो, ये नंबर 150 से कितना कम कितना ज्यादा? कम है, कम के लिए माइनस, क्या ये, यस और नो? और कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3/2 से, यस और नो? 148 में से 2 माइनस करेंगे 146, तो 3/2 × 146, और ये कितना हो गया? 04, यस और नो? इसको मैंने काट दिया बेटा, कितने बार कट गया? 773, यस और नो? तो 7 × 21 = 3, 3 = 9, 219, 7 × 21 = 3, 3 = 9, 7 × 21 = 210, 3 = 9, 210 में 9 ऐड कर दिया, आई बात समझ में? और ये कितना है? 04। कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 2, और 2 ही मुझे लेने हैं, तो कितना हो जाएगा? 2904। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? ऐसे अगर आपके सामने 154 आ जाए, 154 का स्क्वायर आ जाए, नंबर किसके आसपास है बेटा? 150 के आसपास है, कितने का डिफरेंस है बेटा? 4 का, 4 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद में ये नंबर एज इट इज लिखा, यस और नो? फिर मैंने इसमें क्या किया बेटा? प्लस, क्या प्लस किया? 4, और इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3/2 से, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि 150 बेस मान रहा हूं, तो 154 में 4 ऐड करेंगे बेटा, 158, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी लिखी लो यहीं पे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, यस और नो? इसको काट दिया, कितने बार कट जाएगा? 79, यस और नो? 8 + 24 माइनस का 3, 8 + 24 माइनस का 3, 237, यस और नो? 8 + 24 माइनस का 3, देखो 80 से कर दो, 8 + 24 240 हो गया, लेकिन 79 से कर, एक से ज्यादा कर दे, एक से ज्यादा कितने बार किया? 3 बार, उसमें 3 फिर माइनस कर दो, ठीक है? 16, कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 2, लेने कितने हैं? 2, 2 लिखे हुए हैं, 2 ही लेने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा? 716, यहां तक कोई दिक्कत है? अब आप एक काम करना, मैं आज की क्लास को, आज की सभा को यहीं तक छोड़ रहा हूं, अब बाकी अलग अलग नंबर के साथ प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आती तो फिर कल मैं यहीं से थोड़ा सा 10 मिनट इस पे मैं लगाऊंगा, फिर कल फिर हम आगे अलग चीज हम सीखेंगे, कोई दिक्कत है भाई? मिटा दूं? यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी की? कर लोगे? अब आप इसी प्रकार से अब 1000 तक, क्योंकि ये देखना है कि मैं किसको बेस मान रहा हूं, और वो नंबर जिसको मैं बेस मान रहा हूं, वो नंबर 100 का कितना मल्टीपल है, उसी को उसी इतना ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बात समझ में आ गई भाई? कर लोगे? बोलो, कर लेना, और ये मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी रीजनिंग की क्लास होगी।